हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल यू ऑन ट्यूब। चलिए आज हम बनाएंगे एक मज़ेदार और टेस्टी साउथ की सांभर। ये सांभर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली आपकी उंगलियाँ चाटती रह जाओगे। बट इसका मेन इंग्रेडिएंट है अपना सांभर का पाउडर, जो हम नॉर्मल पाउडर यूज़ करते हैं घर पर या बाज़ार से लेते हैं, उसका इतना टेस्ट नहीं आता है। तो मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कैसे सांभर का पाउडर बनाते हैं। सांभर पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने ले रहा हूँ यहाँ पे 6 पीस लाल मिर्च और 1/4 स्पून मैं काली मिर्च ले रहा हूँ, 1 टीस्पून जीरा, थोड़े से मेथी दाना और 3 टेबलस्पून धनिया के सीड्स। आप इसी में फ्रेश हल्दी ऐड कर सकते हैं और करी पत्ता भी, मेरे पास नहीं था तो मैंने लास्ट में ऐड करूँगा। इन सारे चीज़ों को आप पैन में डाल के एकदम लो फ्लेम में 5 मिनट तक आप इसको सेकना है, जब तक इसके मतलब इसका अरोमा जो रिलीज ना हो। इसी में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो बाद में ऐड कर सकते हैं, ये थोड़ा रॉ फॉर्म में तो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब मैं करी पत्ता अभी डाल सकते हैं लेकिन ये मेरे पास सूखे हैं, अगर आपके पास फ्रेश होती है तो अभी ऐड कर लीजिएगा। इसको हम एकदम लो फ्लेम में हल्के से भूनते रहेंगे जब तक इसका सारा अरोमा बाहर ना निकल जाए। देखिए अब ये हो चुका है, अभी इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में अपना थोड़ा सा करी पत्ता और मेथी के दाने, ये लास्ट में ऐड करके आप इसको 1 मिनट तक सेक लीजिएगा। और इन सारे चीज़ों को आप एक बर्तन में या किसी चीज़ पे डाल के आप इसको ठंडा होने दीजिएगा इसको पीसने से पहले। ये देखिए मैंने अभी एक प्लेट में डाल के इसको साइड में रख दिया है, इसको हम बाद में पीस लेंगे। और मसाले के लिए हमें और भी चाहिए, 1 टेबलस्पून मैं तोर की दाल ले रहा हूँ और 1 टेबलस्पून चने की दाल और आधा टेबलस्पून उड़द दाल। इन सारे चीज़ों को भी हमको इसी तरह लो फ्लेम में हल्की से फ्राई करनी है लाइट ब्राउन तक। जैसे इसका कलर लाइट ब्राउन आ जाएगा आप भी इसको निकाल के उसी मिक्सचर में आप ऐड करके साइड में रख दीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद आप पीस लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे क्योंकि हम पहले ऐड नहीं किया था, तो अभी इसको हम एकदम फाइन पाउडर की तरह मिक्स करके रख लेंगे। इसको आप कांच के जार पे रख लीजिएगा या आपको 1 महीने तक आराम से आ जाएगा। अभी हम लेंगे अपने सांभर के लिए, मैंने ले रहा हूँ 3/4 कप तोर की दाल और 1/4 मैं मूंग की दाल ले रहा हूँ, आप कोई भी एक दाल यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आधे घंटे के लिए भिगो के रख लीजिएगा। फिर हम इमली लेंगे, एक बड़े साइज की आंवला की साइज़ की, उसको भी हम पानी में भिगो के रख दीजिएगा। और वेजिटेबल्स के लिए हमें चाहिए ड्रमस्टिक और बैंगन लीजिएगा, अगर आप आम डाल सकते हैं इसमें, कैरेट और बीन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ बैंगन और ड्रमस्टिक ले रहा हूँ। ड्रमस्टिक को आप इस तरह कट कर लीजिएगा, उसके छिलके निकाल लीजिएगा ऑपोजिट साइड से रख के कट के, उसके दोनों साइड के छिलके आप ऐसे निकाल के रख लीजिएगा। ये देखिए इस तरह, पूरा तो नहीं होगा बट अपोजिट साइड निकाल सकते हैं, इस तरह आप काट के रख लीजिएगा। फिर मैंने बैगन ले रहा हूँ, बैगन को इस तरह 1/4 काट रहा हूँ लेंथ वाइज में, ताकि सारे एक ही जैसा शेप दिखे। इसको भी आप पानी में डाल के भिगो के रख लीजिएगा, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। ये देखिए, और हम थोड़ा इमली को मसल लेंगे। हम अब एक प्याज और एक टमाटर रफली काट के रख लेंगे, उसी के साथ 5 लहसुन। फिर एक कुकर में सारे दाल को डाल लेंगे भिगोने के बाद, फिर उसे में हम ऐड करेंगे 3 कप पानी, 1:3 रेशियो लिया हूँ मैंने। और इसमें ऐड करेंगे एक रफली चॉप्ड ऑनियन और टमाटो, एक ग्रीन चिली और लहसुन 5। इसी में थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, अगर चाहे तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा एक बार, फिर आप इसको हाई फ्लेम में 1 सीटी दीजिएगा, फिर बाकी सारे 5 सीटी लो फ्लेम में। अभी हम 2 टमाटर लेंगे बड़े साइज़ के और 2 ऑनियन बड़े साइज़ के, अगर आपके पास छोटे ऑनियन है तो बहुत ही टेस्ट आएगी, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नॉर्मल ऑनियन लिया। इस तरह आप रफली काट लीजिएगा, चॉप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फिर एक बड़ा सा कढ़ाई ले लीजिएगा, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करने के लिए भूल गया था, ऑयल जैसे गर्म होती है आप डाल दीजिएगा अपना राई, फिर जीरा डाल लीजिएगा, फिर करी पत्ता डालने के बाद सारे चटकने के बाद आप इसमें ऑनियन डाल लीजिएगा। ऑनियन को आप हल्का सा
भून लीजिएगा। जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया आप इसमें हींग ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए हींग ऐड करने के बाद फिर हम टमाटर ऐड करेंगे। इन सारे चीज़ों को आप भूनना पड़ेगा, एक 5 मिनट तक भून लीजिएगा। टमाटर जैसे पक गए आप इसमें अपना जो कटे हुए वेजिटेबल्स को डाल लीजिएगा। अभी लो फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा, इसको हल्के से फ्राई कर लीजिए 2 मिनट, फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सॉल्ट डाल लेंगे, फिर एक दो बार मिक्स करने के बाद आप 1/4 टर्मरिक हल्दी ले लीजिएगा, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टी स्पून चिली पाउडर, फिर यहाँ पे आधा टेबल स्पून भर के मैं डाल रहा हूँ अपना सांभर का पाउडर। इन सारे चीज़ों को 1-2 मिनट तक लो फ्लेम में आप भून लीजिएगा। ये ऑयल में थोड़ा सा सौते होने दीजिएगा ताकि इसमें बहुत ही अच्छी फ्लेवर आएगी। ये देखिएगा मिक्स करके आप इसमें ऐसे रख दीजिएगा। इसमें पानी ऐड करना है हमारा। अभी 6 सीटी होने के बाद ये देखिए अपना दाल एकदम गल चुका है। अगर आप 5 या 4 सीटी डालेंगे तो इसको मैश करना पड़ेगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 6 सीटी दिया था। अगर इसका पानी आपको बच गया तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरा पानी नहीं था तो मैं नॉर्मल वाटर 4 कप डाल रहा हूँ। इसको एक बार मिक्स करके आप ढक के 10 मिनट तक हाई फ्लेम में पकाएगा। तब तक हम जो अपना इमली है उसको फिल्टर करके रख लेंगे। ये देखिए 10 मिनट बाद आप देखिए सारे वेजिटेबल्स मतलब ऑलमोस्ट 70-80% पक जाएंगे 10 मिनट में। अब ढक के पकाएगा, हाई फ्लेम में पक जाएंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो कुक हुआ हुआ दाल। दाल को एक बार मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करके इसको भी हमें हाई फ्लेम में 5 मिनट तक पकाना है। जैसे हमारा एक उबाल आ जाएगा 5 मिनट में, ये देखिए दाल और वेजिटेबल्स मिक्स हो गए हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो फिल्टर किया हुआ टैमरिंड। ये देखिए अभी इमली को हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको एक बार मिक्स कर लीजिएगा। 2 मिनट के बाद आप चेक कीजिएगा अपना सॉल्ट कैसा है। सॉल्ट हमें डालना पड़ेगा क्योंकि पहले हमने ज़्यादा नहीं डाला है, तो अभी सॉल्ट ऐड कर लेंगे। आपके हिसाब से आप डाल लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। हम अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुड़, इससे अपना सांभर का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, एकदम बैलेंस स्वीट आ जाएगा इस पर। इसको हम अभी एक उबाल आने देंगे, बस अपना मज़ेदार सांभर रेडी है। फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून घी, फिर हम जो सांभर का पाउडर था ऊपर से आधा टेबल स्पून और डाल लेंगे। इसको भी मिक्स कर लीजिएगा, नहीं तो लम्स फॉर्म हो जाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके 1-2 मिनट ढक के रख दीजिएगा। फिर लास्ट में हम डालेंगे अपने कटे हुए धनिया पत्ता और करी पत्ता। बस आपकी ग्रेवी रेडी है। ये देखिए बढ़िया सा ग्रेवी आपकी रेडी होगी। अभी इसको हम राइस के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी। ये आराम से 4 लोग खा सकते हैं। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बस यही था आज का वीडियो। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।